गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस द चैप्टर फर्स्ट इंडिया साइज एंड लोकेशन ऑफ क्लास 9th। देखिए, सोशल स्टडीज़ का जो ज्योग्राफी है उसका फर्स्ट चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इंडिया की साइज प्लस इंडिया का लोकेशन, इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, साइज़ इंडिया का क्या है, उसके बारे में चैप्टर है। मींस इंडिया का जो पूरा इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर में आपको दिया गया है। तो सबसे पहले अगर बात करें इंडिया की, तो देखिए इंडिया क्या है, एक एंशियंट सिविलाइजेशन है, काफ़ी प्राचीन समय से जो सभ्यताएं चलती आ रही हैं। तो ये माना जाता है कि भारत भी एक प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। और इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, भारत एक बहुत बड़ा देश है जो कि सबको पता है। अब इंडिया की अगर देखें तो इंडिया ने पिछले कुछ डिकेड्स में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है। भारत एंशियंट टाइम्स में जो है सोने की चिड़िया, गोल्डन स्पैरो के नाम से जाना जाता था, बट कुछ बाहर से कुछ आक्रमणकारी आए, इन्वेंडर्स आए, उन्होंने इंडिया पे अटैक करे और इंडिया को लूट के ले गए। बट उसके बाद में भी भारत ने जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है। अब अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया एंशियंट सिविलाइजेशन में से एक माना जाता है, जो कि बहुत ही प्राचीन सभ्यताएं भारत में रही हैं, उनमें से भारत भी एक है। अब सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। तो लोकेशन की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड में किस जगह पे लोकेटेड है, भारत पूरी दुनिया में अगर मैप की बात की जाए तो मैप पे इंडिया को लोकेट कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इधर देखिए, मैंने ग्लोब का एक यहाँ पे ड्रॉ बना दिया है, ग्लोब को ड्रॉ मैंने कर दिया है। अब सबसे पहले ग्लोब की बात कर लेते हैं। तो ग्लोब की अगर बात की जाए तो देखिए, जो ये ग्लोब है इसको मैंने यहाँ से मिडल में से एक लाइन बना दी और इसको हम नाम दे देंगे 0° लेटीट्यूड। क्या नाम दे दिए इसको, 0° लेटीट्यूड। तो इससे क्या हुआ, इससे जो ग्लोब था टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, हाफ एंड हाफ, ठीक है, मींस हेमिस्फीयर बन चुका है ये। तो जो अपर पार्ट है 0° के, जो ऊपर का जो पार्ट है उसे तो हम बोल देंगे नॉर्थन हेमिस्फीयर। क्या बोल दिया जाएगा, नॉर्थन हेमिस्फीयर। और जो उसके डाउन साइड का जो पार्ट है उसे बोलेंगे साउथर्न हेमिस्फीयर। अब ये देखिए, जो 0° लेटीट्यूड हमने बनाई है, तो जो हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हॉरिजॉन्टल है वो तो है लेटीट्यूड्स। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उन्हें तो हम बोल देंगे लेटीट्यूड्स, ओके। और जो वर्टिकल लाइंस हैं, सीधी जो लाइंस हैं, उन्हें हम बोलेंगे लॉन्जिट्यूड्स, उन्हें बोल देंगे लॉन्जिट्यूड्स। तो देखिए, अब इसमें मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ कर रखी है। तो ये 0°, अब उसके जस्ट नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये मैंने कुछ लाइंस यहाँ पे ड्रॉ किए। अब एक लाइन के बीच में डिफरेंस रहता है 15° का। तो 0 से फर्स्ट लाइन के बीच में डिफरेंस कितना है, 15°, फिर वापस 15°, तो 15 और 15, 30, वापस 15, 45, फिर 60, 75 एंड 90 डिग्री। तो इन्हें तो बोला जाता है कि ये क्या है, लेटीट्यूड्स है। ये 0° लेटीट्यूड, 15° लेटीट्यूड, 30° लेटीट्यूड, 45° लेटीट्यूड, लेकिन ये है साउथर्न साइड में। कौन सी साइड है, साउथर्न। ये जो लास्ट पार्ट है वर्ल्ड का साउथ में, उसे बोलते हैं साउथ पोल, इसे बोला जाता है साउथ पोल। इसी तरह से जो नॉर्थन साइड में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उसे बोल देते हैं नॉर्थ पोल, ओके। तो जैसे 0° से डाउन साइड में हमने 15°, 30° देखा, वैसे ही नॉर्थन साइड में भी है। तो ऊपर 15° है, फिर 30, 45, 60, 75 एंड 90। तो कुछ ये लाइंस मैंने ड्रॉ करके आपको बताया है। अब आगे देखते हैं बात लॉन्जिट्यूड्स की। तो लॉन्जिट्यूड्स कौन सी लाइन होती है, लॉन्जिट्यूड्स होती है ये वाली लाइन, ऐसे जो लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर रखी है ये होती है लॉन्जिट्यूड्स। और ये 15° ना होके ये होती है 30° से स्टार्ट, जब बीच में तो ये 0° का ये मैंने डिवाइड इसको कर दिया, मींस एक साइड वेस्टर्न पार्ट हो गया और एक साइड इस साइड ईस्टर्न हो गया और एक साइड वेस्टर्न पार्ट इसका मैंने बना दिया। अब देखिए, ये है 30°, फिर सेकंड वाली लाइन जो जा रही है वो 60° हो गई, थर्ड वाली लाइन हो गई 90, फोर्थ वाली 120 और ये 150। तो ये तो है इसका डिवाइडेशन, ओके। एक बार दोबारा देखिए, बीच में जो लाइन है वो है 0°, फिर उसके बाद में नीचे की साइड चलेंगे तो प्लस में 15, ऊपर की साइड चलेंगे तो प्लस में 15। तो
ये लाइंस ऊपर रहेगी 15 डिग्री, ये नॉर्थन में आ जाएगी और जो डाउन साइड है वो आ जाएगी साउथन में। फिर बीच में से एक लाइन यहाँ मैंने ड्रॉ की है छोटी सी, आप देखिए ये 30 डिग्री 60 90 120 ऐसे ही वेस्टर्न साइड में। अब लोकेशन की बात देखिए, आगे लिखा हुआ है इन नॉर्थन हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर में इंडिया की जो लोकेशन है बिटवीन लेटीट्यूड 8 degree 4 minute, इसको बोलते हैं 8 degree 4 minute, 68 degree 7 minute बोला जाता है इसको, ओके 8 degree 4 minute नॉर्थन एंड 37 degree 6 minute नॉर्थन। तो सबसे पहले हम इसको लोकेट करते हैं, देखिए इंडिया कहाँ सिचुएटेड है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, मतलब हमें ये पता लग गया कि साउथन में तो नहीं है, साउथन तो यही है, इंडिया क्या है नॉर्थ में है। इन नॉर्थन हेमिस्फीयर बिटवीन लेटीट्यूड 8 degree 4 and 37 degree, मतलब नॉर्थ में ही मिलेगा और वो भी 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 के मिडिल में, बीच में। तो देखिए अब इसमें अगर बात करें 8 डिग्री 4 तो यहाँ पे 15 है, 8 है नहीं, तो ये इसको देखिए ऐसे आ जाएगा 1 2 3 4 5, ऐसे 15 लाइन बीच में इसके, मतलब दोनों के बीच में अगर 1 1 करते हैं तो लगभग हम मान लेंगे इस जगह पे आपकी लाइन कौन सी आएगी, 8 डिग्री की लाइन आपको मिल जाएगी। तो ये जो लाइन हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, 8 डिग्री। अब हमें ये पता लग चुका है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 8 डिग्री है, तो इंडिया या तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से मतलब 8 डिग्री की लाइन से कहीं भी स्टार्ट हो सकता है। फिर आगे देखते हैं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, तो वो भी नॉर्थ में, बिटवीन देखिए तो 37 30 और 45 के बीच में आएगा, तो 30 और 45 के बीच में लगभग यहाँ जाएगा आपका 37 डिग्री, तो एक लाइन हम यहाँ बना देंगे। अब हमें ये कंफर्म हो चुका है कि 8 डिग्री 4 मिनट की लाइन तो ये रही और 37 डिग्री 6 की लाइन ये यहाँ रही, तो इंडिया इसी पार्ट में मिलेगा हमें, या तो लेफ्ट में या राइट, मतलब इन दोनों लाइन के बीच में मिलेगा, बिकॉज 8 डिग्री 4 मिनट की लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर दी है और 37 डिग्री 6 की लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर दी है, तो दोनों के बीच में मिलेगा। अब हमें ईस्ट और वेस्ट और देखना है, तो देखिए यहाँ पे लॉन्जिट्यूड्स आ गया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट, मतलब ईस्ट में ही है, ईस्ट में ही है, तो 68 और 97 के बीच में, तो ये वेस्टर्न साइड है तो ईस्टर्न साइड ही होगा, तो इन लाइन को हम काउंट नहीं करेंगे, जो ये लाइंस है इनको हम काउंट नहीं करेंगे, हम काउंट करेंगे इधर वाली लाइन में जो 30 है 60 है, तो हमें पता है 68 और 97 दो ढूंढने हैं, तो 60 और 90 के बीच में मिलेगा 68, मींस जो ये लाइन है इस लाइन के और इस लाइन के बीच में मिलेगा, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कि 68 लगभग यहाँ आएगी, 68 यहाँ आएगी, दूसरी है 97। अब 97 कहाँ मिलेगी, ये 90 वाली लाइन ये रही, ये 120 वाली लाइन, तो 90 और 120 दोनों के बीच का देखें तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब यहाँ, तो अब हमें कन्फर्म हो गया कि इंडिया जो है हमारा वो यहाँ से लेके और ये यहाँ तक, ये कन्फर्म है। तो इंडिया की अगर बात करें तो 68 डिग्री 97.25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है और लेटीट्यूड है इंडिया का 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो ये तो है इसका लोकेशन जो कि एग्जाम में आपको पूछा जाता है। फिर बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री ऑलमोस्ट इनटू टू पार्ट्स, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लाइन जो है कर्क रेखा जिसे बोलते हैं और उसका जो लोकेशन है वो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, तो ये इंडिया को क्या करती है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे मैंने इंडिया का मैप आपके लिए बना रखा है और ये लाइन कुछ इस तरह से यहाँ से निकलती है ऐसे, और इंडिया को टू पार्ट्स में ये क्या करती है डिवाइड कर देती है, ओके। तो 23 डिग्री 30 नॉर्थ यहाँ पे हम आराम से ढूंढ सकते हैं, नॉर्थ में है और 23 डिग्री 30, तो यहाँ से 15 और 30 के बीच जो 23 मिल जाएगा, तो वहीं पे लाइन आपको ऐसे बना देनी है, तो ये हो गया 23 डिग्री। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 डिग्री 30 मिनट पे इंडिया को क्रॉस करती है। अब इंडिया के साइज़ की बात करें तो इंडिया का साइज़ है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इंडिया का जो एरिया है कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंडिया के पास है, जो कि टोटल जो वर्ल्ड का एरिया है उसका कितना है 2.4%, जो टोटल जो वर्ल्ड का एरिया है उसमें इंडिया का एरिया है 2.4% टोटल इंडिया का उसमें पार्ट है, जिसमें इंडिया के पास अगर लैंड बाउंड्री की बात करें, पूरी ज़मीन की जो बाउंड्री उसकी बात करें, तो वो है 15,200 किलोमीटर्स, एंड अगर कोस्ट लाइन की बात करें, कोस्ट क्या होता है जहाँ पे
जैसे इधर सी है, यहाँ सी है, यहाँ भी ओशियन है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है इंडिया का, ये है कोस्टल एरिया। तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है 7,516.6 किलोमीटर। तो ये हो गया इंडिया का लैंड बाउंड्री और ये हो गया कोस्ट लाइन। अब इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में दे रखा है और ये जो लाइन है इसी से क्या होता है इंडिया का पूरे देश का क्या होता है स्टैंडर्ड टाइम आपको नोट किया जाता है। इसी लाइन से आप क्या करते हैं स्टैंडर्ड टाइम को इंडिया का कैलकुलेट किया जाता है। अब आगे अगर बात की जाए तो इंडिया का जो वर्ल्ड में इंडिया का नंबर देखें तो जो 7 लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज इंडिया हैज़ 7 पोजिशन, भारत का 7वां स्थान आता है। तो फर्स्ट में देखिए रूस, रशिया 17.09, उसके पास स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। फिर कनाडा, थर्ड नंबर पे यूएसए, फोर्थ पे चाइना, फिफ्थ पे ब्राज़ील, सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया और 7th पे है इंडिया। तो इंडिया जो है वर्ल्ड में अगर साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 7 नंबर पे आता है और पॉपुलेशन वाइज देखें तो चाइना फर्स्ट पे है और सेकंड पे इंडिया जाता है। अगर पॉपुलेशन की बात हो तो इंडिया सेकंड है और साइज की बात हो तो इंडिया का नंबर आता है 7th। अब इधर देखते हैं इंडिया के कुछ नेबरिंग स्टेट्स है, फिर यहाँ पे इंडिया के पास में एक तो यहाँ पे अरेबियन सी है, इंडिया के वेस्टर्न साइड में है अरेबियन सी जिसे अरब सागर बोलते हैं, और इंडिया के ईस्टर्न साइड में है बे ऑफ बंगाल जिसे बंगाल की खाड़ी का नाम दिया गया है, और साउथर्न साइड में देखें तो यहाँ पे है इंडियन ओशियन। तो भारत जो है 3 साइड से वाटर से क्या है बाउंडेड है, और वो लैंड जो 3 साइड से वाटर से बाउंडेड है उसे क्या बोलते हैं पेनिनशुला। तो इंडिया का जो ये हाफ पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ये कहलाता है पेनिनशुलर इंडिया, बिकॉज दिस पार्ट ऑफ इंडिया इज बाउंडेड फ्रॉम 3 साइड्स बाय वाटर। ओके, अब अरेबियन सी में इंडिया का एक आपको बता दे पता होना चाहिए इस साइड में तो है आपका लक्षद्वीप ओके, और इस साइड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इंडिया के जो 2 आइलैंड्स हैं एक तो है लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में है और अंडमान और निकोबार जो है वो है आपका बे ऑफ बंगाल में। और लास्ट में हम देखते हैं इंडिया जो है कुछ अपने पड़ोसी देश है नेबरिंग कंट्रीज़ है तो उनसे अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो किन किन से करता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, मीन्स इस साइड में नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पाकिस्तान और यहाँ अफगानिस्तान, यहाँ पे इंडिया अपने लैंड बाउंड्री से शेयर करता है। फिर सेकंड है चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं इस एरिया में आते हैं पूरे ये इस वाले एरिया में। तो चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान ये है नॉर्थ में इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ है। फिर म्यांमार एंड बांग्लादेश ये है इंडिया के ईस्टर्न साइड में, इस साइड में म्यांमार है और यहाँ पे बांग्लादेश है, तो ये है इंडिया के ईस्टर्न जो नेबर्स हैं। फिर बात करें जो साउथर्न नेबर है हमारे वो है श्रीलंका एंड मालदीव्स, लेकिन ये लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, ये सब तो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं लेकिन श्रीलंका और मालदीव ये है अक्रॉस द सी समुद्र के बीच में है, तो श्रीलंका और मालदीव तो यहाँ पे आपको पता है कि ये वाला पार्ट तो श्रीलंका का है, इसके और नीचे आते हैं यहाँ पे तो इस जगह पे आ जाता है मालदीव। तो इस तरह से ये आपका जो इंडिया का इंट्रोडक्शन है 9th क्लास का कि इंडिया की जो लोकेशन है कहाँ इंडिया की लोकेशन है और इंडिया की साइज क्या है, कितना कोस्ट लाइन है, कितना इंडिया की लैंड बाउंड्री है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, उसके अलावा स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडिया की वर्ल्ड में पोजीशन कौन सी है, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से, तो ये इंडिया का पूरा इंट्रोडक्शन है। थैंक यू।